नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 5G वर्सेस Xiaomi Redmi 10 Power का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 5G में 6.48 इंच जबकि Redmi 10 Power में 6.67 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 12 5G में 3.03 इंच जबकि Redmi 10 Power में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Note 12 5G में 0.31 इंच जबकि Redmi 10 Power में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 12 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 5G में 186 ग्राम जबकि Redmi 10 Power में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 12 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 5G में AMOLED जबकि Redmi 10 Power में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Note 12 5G में 20:9 जबकि Redmi 10 Power में 20:6:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 12 5G में 6.7 इंचेस जबकि Redmi 10 Power में 6.71 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 12 5G में 1080x2400 और Redmi 10 Power में 720x1650 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 5G में 85.62% जबकि Redmi 10 Power में 82.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10 Power में 268 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 Power की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 12 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10 Power की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 5G में Mali G57 MC2 जबकि Redmi 10 Power में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 5G में MediaTek Dimensity 810MT 6833 और Redmi 10 Power में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 5G में अप टू 2TB जबकि Redmi 10 Power में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Note 12 5G में Android V12 जबकि Redmi 10 Power में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Note 12 5G में 5000 mAh जबकि Redmi 10 Power में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 5G 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Redmi 10 Power की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 12 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 Power की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 12 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Vivo Y75 5G है, तीसरा Realme Nazo 50 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।